फ्री पीडीएफ ले लो भाई, फ्री ईबुक ले लो भाई, जो आपको हेल्प करेगी पैसे अर्न करने में। तो गाइस आपने देखा होगा ऑन सोशल मीडिया कि बहुत लोग आपको फ्री पीडीएफ देते हैं, फ्री ईबुक देते हैं। क्या आपने कभी एक मिनट, सिर्फ एक मिनट अपना लगा के सोचा है कि ये लोग आपको फ्री पीडीएफ और फ्री ईबुक क्यों देते हैं? क्यों देते हैं, क्यों आपको फ्री में देते हैं इतना पैसा अर्न करने की स्ट्रेटजी? हो सकता है आपने कभी नहीं सोचा हो, बट आपका भाई इस वीडियो में आपको बताएगा कि ये स्ट्रेटजी क्या होती है और आप कैसे इसको इंप्लीमेंट करके $500 पर डे। यस गाइस, जिन लोगों ने इस स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया है वो लोग $500, तो मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, वो लोग हजारों डॉलर पर डे, पर वीक और कई ज्यादा पैसे कमा रहे हैं इस स्ट्रेटजी से। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस स्ट्रेटजी को, तो चैनल पे बने रहना और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप नए हो तो प्लीज मेक श्योर जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा के, वो बेल का आइकन आएगा उसको जरूर दबाओ, ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, कंप्यूटर, पीसी, वॉट एवर यू यूज टू सी दिस वीडियो, आपको वहां तक पहुंच जाएगी। और गाइज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही स्ट्रेटजी वीडियो और आपके लिए वैल्यूएबल थिंग्स लेके आऊँ चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स गो। सो माय नेम इज टीयर, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, शेयर फ्री पीडीएफ एंड अर्न $500। यस गाइज, कैसे होता है, क्या होता है, लेट्स गो ऑन माई कंप्यूटर। सो गाइज, अगर आप फेसबुक चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपको 100% स्पॉन्सर्ड एड दिखे ही होंगे। देखो, यहाँ जो हमारे इंडिया जो कंट्री है वो ट्रायर टू की कंट्री है, तो यहाँ थोड़े कम दिखते हैं। बट अगर आप ट्रायर वन जैसे यूएस जैसी कंट्रीज में जब जाओगे तो वहां देखोगे कि आपको भर भर के टाइमलाइन पे सिर्फ एड 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 ही दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? बिकॉज वो लोग चाहते हैं कि आप उनसे कुछ खरीदें। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपको कोई पीडीएफ शेयर करता है या आपको ईबुक शेयर करता है फ्री में, गाइस अगर ईबुक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है या पीडीएफ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है, तो देखना वो हमेशा सेल की जाती है 299 से लेके ₹499 तक। यस गाइस, मैंने सही कहा है, अगर आपने सुना हो तो। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर पीडीएफ वैल्यूएबल होती है सच में, तो हमेशा उसको 299 से लेके 499 तक ऑन एवरेज सेलिंग की जाती है उसकी, ठीक है। बट क्या होता है, यहाँ लोग तो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, राइट, अपना पैसा एड्स पे लगा रहे हैं, ट्रायर वन कंट्रीज में एड रन करवा रहे हैं, वो भी आपको फ्री में पीडीएफ देने के लिए। सी दिस, फ्री फ्री एंड फ्री एफिलिएट मार्केटिंग मिस्टेक्स, फ्री पीडीएफ। तो क्या आपने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि ये लोग फ्री पीडीएफ क्यों देते हैं? चलो ठीक है भाई, आपने नहीं सोचा तो मैं आज आपको बताता हूँ ये लोग फ्री का पीडीएफ क्यों देते हैं अपना ही पैसा लगा के। देखो, सबसे पहला जो पर्पज होता है दैट इज कॉल्ड ईमेल। दो पर्पज होते हैं, सबसे पहला जो पर्पज होता है दैट इज कॉल्ड ईमेल। ईमेल, अब इससे क्या होता है, देखो अगर आप ना किसी को कुछ दोगे एंड देन वो बंदा उसमें ईमेल डालेगा, तो वो जो ईमेल रहेगा वो ऐसा रहेगा कि 99% वो ईमेल रियल रहेगा, वैल्यूएबल रहेगा, टारगेटेड रहेगा। बिकॉज जब ये लोग, देखो ये पीडीएफ बांटते हैं तो ये लोग उन्हीं को ऐड दिखा रहे हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में है, राइट। अब क्या होगा, जैसे कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग में हूं तो मुझे ये ऐड दिखा रहे हैं, तो मैं गेट ऑफर पे क्लिक करूंगा, ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। देन क्या होगा, देन फिर मैं इसके पीडीएफ को पढ़ूंगा, राइट, और उसको पीडीएफ को लेने से पहले मैं इसमें ईमेल डालूंगा, तो ये ईमेल जो है, ये जो जो भी बंदा है जो मुझे ये फ्री पीडीएफ दे रहा है उसके लिस्ट में चली जाएगी। एंड वो क्या करेगा, वो मुझे ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, एनकाउंटर करेगा, रिटारगेटिंग करेगा बार बार ईमेल के जरिए इन माई इनबॉक्स, राइट। तो ये होता है सबसे पहला पर्पस। जो दूसरा पर्पस होता है दैट इज कॉल्ड सेलिंग, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस होता है ईमेल के बाद सेलिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करने लग जाते हैं एज अ स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलिंग क्या होती है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो इसी से आप 101% अगर आप इस मेथड को यूज करोगे तो आराम से अर्निंग करने लग जाओगे विथ हाई टिकट प्रोडक्ट्स। यस, आपने सही सुना, विथ हाई टिकट प्रोडक्ट्स, नॉट लो टिकट। $300 के ऊपर के प्रोडक्ट, इवन $500 के ऊपर के प्रोडक्ट आप पीडीएफ एंड ई बुक से और स्टोरी टेलिंग का यूज करके सेल कर सकते हो। अब कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप एड लगा लो या आप फ्री में ही बांटो, लेकिन
आपका जो कस्टमर होना चाहिए, जो ऑडियंस होना चाहिए, वो हाईली टारगेटेड होना चाहिए, राइट। जैसे ये लोग एड लगाते हैं और जिनको दिखाते हैं वो लोग हाईली टारगेटेड होते हैं, ओके, और वो लोग नीश से ही रिलेटेड होते हैं। तो लाइक जैसे कि मैंने बताया कि जो एफिलिएट मार्केटिंग वाला मुझे टारगेट कर रहा है यहाँ पर, राइट, फ्री फ्री का ईमेल दे रहा है मुझे, सॉरी फ्री का पीडीएफ दे रहा है मुझे, तो ये मुझे टारगेट कर लिया। देन मैं इसके पे ईमेल पुट कर दिया। अब क्या हुआ, जब मैंने इसका ईमेल पुट कर दिया तो लिस्ट में चलेगा, देन ये मुझे ईमेल करने लगा, राइट, अपने बारे में बताने लगा, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगा, अपने ऑफर्स के बारे में बताने लगा। देन मेरा जो माइंड है वो थोड़ा सा इसके तरफ जाने लगा, अरे भाई कौन है भाई, चलो देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले, इस ईमेल से पहले इसने बहुत बड़ा बॉम्ब छोड़ दिया था, दैट इज कॉल्ड पीडीएफ एंड ईबुक। अब पीडीएफ एंड ईबुक का क्या मैजिक होता है, अब जैसे कि मैंने इसको ओपन कर दिया इस पीडीएफ को, ठीक है, डोंट वरी, मैं एग्जांपल आपको दिखा के ही बताऊंगा, ठीक है। अब मैंने इस पीडीएफ को ओपन कर दिया, देन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, या, और ये लोग मालूम है लिखते वो है जो आपके दिमाग में चलता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकोलॉजी ऑफ सेलिंग, फिजिकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग। आई नो अगर आप बिगनर हो तो आपको इसके बारे में नहीं पता होगा कि कैसे कॉपी राइटिंग चीजें होती हैं, कैसे कॉपी राइट किया जाता है, कैसे कॉपी राइट लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहाँ मैं ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूँ। तो गाइज अगर आपको समझना है कॉपीराइट के बारे में, देखो मैं पूरी चीजें तो नहीं बताया हूँ चैनल पे, बट कुछ चीजें हैं जो कॉपीराइट के बारे में पहले से चैनल पे है। और जो दूसरी चीज है, अगर आपको और डीप कॉपीराइट के बारे में जानना है तो गूगल करो। और जो तीसरी चीज है कि अगर आपके पास बिल्डर है तो उसमें कॉपीराइट का सेक्शन है, उसको जाके पढ़ो तो और आप कॉपीराइट के बारे में जानोगे। बिल्डर एक एफिलिएट मार्केटिंग टूल है, अगर इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कॉपी राइटर्स रहते हैं ये ऐसी राइटिंग लिखते हैं जैसे कि आप सोच रहे हो, राइट। अभी देखो ये जो एफिलेट का था, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कि एफिलेट मार्केटिंग मिस्टेक्स, तो अब ये क्या करते हैं, ये एकदम कॉमन मिस्टेक्स उठाते हैं एंड ये लिखते ऐसे हैं कि वो मुझसे क्वेश्चन करें, यस यू आर नॉट गुड इन राइटिंग ईमेल। सो अब भाई जो नया बंदा है, बिगनर है, यस, वो कभी गुड नहीं होगा ईमेल राइटिंग में। तो ये ऐसे करके आपके माइंड को ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर करेंगे, इसीलिए इनको कॉपी राइटेड बोलता है। और ये लोग हाईली वैल्यूएबल लोग होते हैं और इनका जो हायरिंग का कमीशन होता है, प्राइस होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, फी जो होती है बेसिकली इनकी बहुत ज्यादा होती है इनको हायर करना, ओके। और आप भी ये सीख सकते हो और दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी काम कर सकते हो। अब ये बार बार अपने क्वेश्चंस एंड अपने पैराग्राफ से आपको टारगेट करते हैं एंड बिटवीन दिस आपको ये लाइक ऐसा कुछ लिंक दे देंगे कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो आपको ये टूल यूज करना चाहिए, लाइक क्लिक फनल या बिल्डर कुछ भी बोल देंगे। मैं क्लिक फनल लेके चलता हूँ बिकॉज क्लिक फनल ऑलमोस्ट $300 है। तो अगर ऐसे ही मतलब लिखते लिखते ये बीच में क्या बोलेंगे, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विद द गुड टूल्स सो प्लीज ट्राई दिस टूल, एंड वो क्या करेंगे यहाँ पर आपको लिंक दे देंगे $300 का टूल। इट्स मीन कि 21,000 रुपए के टूल का ऑफर। अब क्या हुआ, आपके माइंड को ऊपर से नीचे तक ट्रिगर कर लिया गया है, तो आप 100% नहीं भी तो आपका चांस है कि 99% या 95 to 100% के बीच में कि आप इस पे क्लिक करोगे, देन बूम यहाँ पर वो ले जाएंगे आपको वेबिनार पे। एंड वेबिनार पे क्या होगा, यहाँ लोग होते हैं हाईली एक्सपर्ट, राइट। जैसे कि आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये जो बंदा है ना, ये इस क्लिक फनल के मेन ब्रांच पे आपको भेजेगा जहां पर ये आपको वेबिनार नहीं दे रहा है, ये कंपनी जो है वो आपको वेबिनार दे रही है। अब ये कंपनी वेबिनार दे रही है, इट्स मीन कि ये तो $1 मिलियन कंपनी है, multi-million dollar कंपनी है, तो इसके जो वेबिनार देने वाले स्पोक्स पर्सन रहेंगे वो अल्ले वल्ले तो रहेंगे नहीं, ठीक है, रोड से उठा के तो लाएंगे नहीं उनको, वो लोग रहते हैं हाईली स्किल्ड। और यहाँ पर जो आपको ट्रिगर दिया जाता है और यहाँ पर आपका वो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, देन एट एंड आप क्या करते हो, जाके प्रोडक्ट को खरीद लेते हो एट द एंड, ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो एंड दिस इज सोल्ड। अब आपको समझ में आया कि ये लोग जो है ये फ्री में एड में पैसा क्यों वेस्ट करते हैं और एक ई बुक बना के आपको फ्री में क्यों देते हैं, क्योंकि गाइस ये ई बुक मान लो इनको $10 की पड़ गई, अब ये $10 से एक ई बुक बना लिए, ठीक है, $10 से एक ई बुक बना लिए, और मान लो इन्होंने लगा दिया $500
ऑन एड्स, ठीक है। अब यहाँ से इनको जो लीड है, ठीक है, मान लो $510 का खर्चा आया, $510 का खर्चा आया, और यहाँ से इनको मिल गई, चलो हम लोग बहुत नीचे मतलब बहुत मिनिमम लेके चलते हैं, ठीक है, अगर इनको मिल गई 200 लीड्स, ठीक है, 200 लीड्स, और इसमें से बहुत मिनिमम लेके चलता हूँ मैं, बहुत मिनिमम, ठीक है, सिर्फ 10 लोग इनके ऑफर से कन्वर्ट हो जाते हैं। एक ऑफर इनका $300 का है, तो अब इनटू 10 कर सकते हो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितना हाईली इफेक्टिव वे है पैसा अर्निंग करने का। $3,000 इन लोगों ने बनाया, $510 का इन्वेस्टमेंट किया, $2,500 ऑलमोस्ट इनका जो है वो क्या है, रेवेन्यू है, $2,500 इनका रेवेन्यू है जो टोटली प्रॉफिटेबल है। और प्लस गाइस, मैंने बहुत कम नंबर लेके गया लेके चला है, ये पूरी टारगेटेड मार्केटेड है, सॉरी ये पूरी टारगेटेड मार्केट है, तो यहाँ पर नहीं भी तो आप 50 पीपल को इजिली कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपकी हर चीजें पॉइंट टू पॉइंट है। तो गाइज ऐसे करके होता है पीडीएफ का बिजनेस। अब मैंने कहा था कि मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, मैंने एक पीडीएफ को जस्ट डाउनलोड किया था थोड़े दिन पहले, और मैं इसका थोड़ा, ये जो पीडीएफ था एक बहुत अच्छे मार्केट की तरफ से था, तो मैं इसको थोड़ा स्टडी कर रहा था कि इस बंदे ने कैसे पीडीएफ को लिखा है। तो देखो, सबसे पहले इसने कहा, थैंक यू, योर फ्री ई बुक इज वेटिंग इन योर ईमेल बॉक्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि लोग आपका ईमेल सबसे पहले लेते हैं, राइट? तो ये इस बंदे ने क्या किया, सबसे पहले मेरा ईमेल ले लिया एंड मुझे बता दिया कि भाई हम तुम्हारे ई बुक तक, सॉरी, हम तुम्हारे ईमेल तक पहुंच चुके हैं, अब हम तुमको वहीं मिलेंगे, राइट? तो इसने बता दिया, योर फ्री ई बुक इज वेटिंग इन योर ईमेल बॉक्स। तो मुझे बता दिया, चल भाई ईमेल पे चल जा सीधा, ठीक है, मैं चले गया ईमेल पे। फिर उसके बाद नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी है इन्होंने, प्लीज क्लिक द कंफर्मेशन लिंक इन साइड द ईमेल। क्यों? क्योंकि ये ईमेल को कंफर्म कराना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने आपसे कनेक्ट कर लिया है ईमेल के द्वारा, और आप हमारा जो नेम है उसको याद रखो। तो कैसे, आप समझ रहे हो, ये सब फिजिकोलॉजी ट्रिक्स है और कॉपी राइटिंग ट्रिक्स है, ठीक है। ये जो कॉपी राइटर मैन है जिसने लिखा है इसको, वो उसने यूज की है फिजिकोलॉजी ट्रिक्स। अब ये ट्रिक कर रहा है मेरे माइंड में कि मैं इस बंदे के ब्रांड को याद रखूं, इसलिए मुझे ये ईमेल पे भेज रहा है, ठीक है, सबसे पहली लाइन। फिर आप नीचे जाओगे, फिर इसने लिखा है, लाइक आई सेड बिफोर, डेवलपिंग आर्टिकल स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पजल, बट नो पजल इज कंप्लीट विदाउट ऑल पीसेस, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या लिखा है इसने, नो पजल इज कंप्लीट विदाउट ऑल पीसेस अटैच टूगेदर एंड द होल पिक्चर इज रिवील्ड। वॉट? Attached together and the whole picture is revealed in the big puzzle named online marketing. We must become expert in a few circle सब्जेक्ट्स, ओके। तो अब इसने बताया कि हम लोग आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। हम लोग सिखाने वाले हैं कॉपी राइटिंग, डाटा एनालिसिस, रिसर्च, टेक स्किल, मार्केटिंग और सोशल मीडिया। देन आपने देन इसने क्या क्या है कि अटेंड आवर लाइव वेबिनार, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैं एक वीडियो पे चले जाऊंगा जहाँ इस ये बताएगा मुझे कि ऐसे ऐसे करके अर्निंग की जाती है। अगर आपको और आगे प्रोसीड करना है तो आप क्या करो, आप क्लिक करो इस बटन को और ज्वाइन करो अपना लाइव वेबिनार। देन मैं लाइव वेबिनार में जाऊंगा तो मेरे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा एंड मुझे कहा जाएगा बाय दिस प्रोडक्ट। गाइज 100% आई एम श्योर कि ये लोग बहुत वैल्यू देते हैं, बट ये पूरा एक स्ट्रेटेजी होती है एक हाई टिकट प्रोग्राम को सेल करने की। इस बंदे ने बहुत जल्दी लिंक दे दिया, बट जो और भी अच्छे पीडीएफ्स होते हैं वो बहुत लंबी स्टोरी आपको देते हैं, आपके दिमाग को पूरा एक बोलते हैं ना, अब कोल्ड कोल्ड बायर से वार्म बायर में कन्वर्ट कर देते हैं एंड एट द एंड आपको एक चीज सो आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैं 100% श्योर हूँ ये बहुत नॉलेज देते हैं, बट एट द एंड ये एक स्ट्रेटेजी है एक हाई टिकट प्रोडक्ट सेलिंग की। तो गाइज आप भी ऐसे ही पीडीएफ बना सकते हो canva.com का यूज करके, या अगर आपके पास बिल्डर है तो आप बिल्डर भी लेके वहां पर भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज से बनाते हो। बिल्डर मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वहां आपको
आपको बहुत सारी नॉलेज बहुत कम पैसे में मिल जाती है, तो आप वो चीज भी ले सकते हो, या canva.com का फ्री चीज का भी यूज करके ये सारी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। और 100% अगर आप 500 1000 डॉलर की चीज नहीं बेच सकते, तो आप 200 300 डॉलर की चीज आराम से बेच सकते हो ये PDF स्ट्रेटेजी के द्वारा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अगर प्लीज एक छोटा सा काम कर सकते हो तो कर देना, शेयर करना अपने एक दोस्त के साथ, सिर्फ वन फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और मुझसे कनेक्ट करो मेरे इंस्टाग्राम पे, बिकॉज वहां पर भी मैं बहुत सारा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, और वहां पर आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूँ। तो उस वहां पर भी मुझसे कनेक्ट करो और इस वीडियो को लाइक जरूर करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।